वेलकम गाइस, वंस अगेन आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हम नजर डालते हैं बॉलीवुड के ऊपर। तो फाइनली इस फ्राइडे रिलीज हो चुकी है ड्रीम गर्ल 2, जिसका इंतजार था हमें और जिसने ओपनिंग ली है 10 करोड़ से इस फ्राइडे पर। और गदर 2 और ओ माय गॉड 2 का जो है सैलाब, वो अभी थमते थमते अभी कुछ कम हो ही गया है, लेकिन हम भी गदर 2 के जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है उसके बारे में बात करेंगे। 2000 years later चुका है गदर 2, ओ माय गॉड 2, तो अब ड्रीम गर्ल 2, जो कि है आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे और परेश रावल के साथ में है राजपाल यादव। तो ये मूवी जमकर इसका टीजर और ट्रेलर तो हमने देख चुके हैं और जिसका रिव्यू भी हमने दिए थे हमारे चैनल पर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट में बने थे आयुष्मान खुराना, पूजा की आवाज लेके आप बन गए खुद वो पूजा। तो इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है 10 करोड़ से, लगभग ये फर्स्ट डे के अंदर कलेक्शन करेंगी 15 करोड़ से ओपनिंग होंगी इस मूवी की। गदर 2 रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है भैया। अगर गदर 2 की कमाई की बात की जाए तो ये लगभग इसके बजट से 4 टाइम कमा चुकी है। तुझे तारा सिंह पहचान दे नहीं, दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है। गदर 2 की बात की जाए तो इस फिल्म की जो डिस्टेंस है, मींस कमाई का जो डिस्टेंस, पठान और बाहुबली से नजदीक नजदीक पहुंचता जा रहा है। तो गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 12वें दिन जो कमाई, भैया इतनी कमाई, वो भी मंडे सेकंड 12वें दिन। तो देखते हैं हम इसके एज कम्पेयर टू दूसरे मूवी 12वें दिन कितना कमाई कर चुकी थी अब तक का जो रिकॉर्ड। 12वें दिन की अगर बात की जाए तो वॉर ने कमाई की थी 4 करोड़, टाइगर जिंदा है ने 12th डे पर कमाई की थी 4.5 करोड़, और बाहुबली की बात की जाए तो बाहुबली ने अपने 12वें दिन कमाई की 15.75 करोड़, मतलब 16.25 करोड़। वहीं KGF ने कमाई की थी अपने 12वें दिन, वो थी 7.5 करोड़। तो चलिए हम आखिर को बात करते हैं गदर 2 की कमाई, जो है 13 करोड़ अपने 12वें दिन। तो ये है अभी सेकंड नंबर पर अपने 12वें दिन पर बनी हुई फिल्म, और बाहुबली है फर्स्ट पर अभी तक का। गदर 2 की अगर कमाई की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आपको कितना लगता है गदर 2 ने अभी तक का कितना कमाई कर चुकी, गेस करो, नहीं बता सकते। गदर 2 ने अपने 12वें दिन कमाई की थी 13 करोड़, और अब तक का हिंदी वर्जन में इसने कमाई कर दी है 425 करोड़, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है गदर 2 का 555 करोड़। देखते हैं हम पठान का रिकॉर्ड जो के है 1000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, तो ये तोड़ती है नहीं तोड़ती है इसकी अपडेट जरूर हमारे चैनल पर देगी। ओ माय गॉड 2 भी जो कि रिलीज हुई थी गदर के इस भवर में कहीं गुम नहीं हुई है, वो भी उसने भी अच्छी खासी कमाई कर ही ली, क्योंकि गदर जो थी वो UA ग्रेड थी और ओ माय गॉड 2 को A ग्रेड दिया गया था, तब भी इसने अच्छी खासी कमाई कर ली है। ओ माय गॉड 2 ने हिंदी वर्जन में कमाई की है 127 करोड़, और वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की है उसने 175 करोड़। अब गदर 2 के ऊपर मेकर्स ने कर चुके हैं ऐलान, और गदर 3 भी जल्द ही आएंगी, अनिल शर्मा के निर्देशक में आएंगी बॉर्डर 2, क्योंकि एक नया ट्विस्ट आ चुका है, वो है बॉर्डर 2। तो जल्द ही बॉर्डर 2 की भी शूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बॉर्डर 2 को भी क्रेज बनता जा रहा है, क्योंकि ये थी मल्टी स्टारर फिल्म जिसके अंदर बैक वाले जो स्टार तो नहीं लिए जाएंगे, अब नए स्टार की कास्टिंग होगी। तो हम भी अब एक्साइटेड है कि बॉर्डर 2 भी किस तरह जलवे बिखेरती है बॉक्स ऑफिस पर। आखिर को ये माँ तुझे सलाम 2 की भी शूटिंग करेगी, तो देखते हैं अब कौन सी मूवी अब सनी देओल को ऑफर हुई है और कौन सी मूवी आती है अब सनी देओल की। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वरना कोई बात नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।